इंदौर के छत्रीबाग स्थित आश्रम पर श्री राधे राधे बाबा द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री राधे राधे बाबा ने बताया कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु की पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से चार महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये चार महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। और भारतीय वैदिक सनातन परंपरा है, भारतीय संस्कृति है कि आज के दिन व्यास पूजा का, गुरु पूजा का भी विधान है और वैदिक सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाते रहे, भारतीय संस्कृति का मार्गदर्शन संत महापुरुष करते रहे हैं और भारत में जब तक संत और सैनिक हैं तब तक भारतीय सनातन वैदिक सनातन परंपरा की स्थापना रहती है। उसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए आज ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम छत्रीबाग आश्रम पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने श्री राधे राधे बाबा के पाठ पूजा कर उनसे आशीर्वाद लिया। भोजन भंडारे की व्यवस्था छत्रीबाग आश्रम में भक्त लोगों के लिए विशेष रूप से की गई थी। इंदौर से अभिजीत सिंह चौहान के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।